2 अगस्त 1981 इतवार और ईद उल फितर का दिन था, जो पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का सबसे सुनहरा दिन साबित हुआ। उस दिन फिल्मी कारोबार इंतहाई उरूज पर था और एक ही दिन में रिलीज होने वाली मुतादित फिल्मों ने कई नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड कायम किए। इन्हीं यादगार फिल्मों में से एक आज की जेरे तबसरा फिल्म शेर खान भी है। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म हिदायतकार यूनस मलिक की थी, जिसके फिल्म साज अनवर कमाल पाशा थे, जो खुद 50 के अशरे के एक कामयाब तरीन हिदायतकार साबित हुए थे। यूनस मलिक बड़े खुशकिस्मत हिदायतकार थे, जिन्हें नासिर अदीब जैसे कलमकार का तावुन हासिल था, जो ऐसे ऐसे किरदार लिखते थे कि मलिक साहब को उन पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। रही सही कसर बॉक्स ऑफिस की डिमांड सुल्तान राही, मुस्तफा कुरेशी, अंजुमन जैसे अदाकार पूरी कर देते थे। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें, फिल्म शेर खान में सुल्तान राही की माँ का किरदार अदा करने वाली अदाकारा बहार ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज अनवर कमाल पाशा की मशहूर फिल्म चंद माही में अदाकार असलम परवेज के मुकाबिल मरकजी किरदार से किया और बाद अजां न सिर्फ पंजाबी बल्कि उर्दू फिल्मों में अपनी जिंदगी की 5 दहाइयां वक्फ की। और सुल्तान राही के दौरे उरूज में ज्यादातर फिल्मों में उनकी मां के किरदार में बड़ी जानदार अदाकारी करती हुई नजर आई। सुल्तान, ते कल पावे से चुप के सुन, पर जवाब सिर चुप के दे, ते हुन चुप करके जीते अगे लग जा। नहीं मां, इस जीप ते मैं नहीं, इत्ता जनाजा जाएगा। सुल्तान, हाँ, चुप कर वे। ठीक है, जे जीप ते अगे तू नहीं लगना, फिर आज तेरी मां नंगे सिर ढाप जाएगी। चीफ डोरो साहब बदर जे मुजरिम नहीं जाता, आज जो दिमाग आप जाएगी। पाकिस्तानी सिनेमा में जब पंजाबी फिल्मों का तज़करा आएगा तो शेर खान का टाइटल रोल अदा करने वाले इकबाल हसन का जिक्र जरूर होगा। अपने वक्त की कामयाब तरीन फिल्म मौला जट के हिदायतकार यूनस मलिक ने जब 1980 में पंजाबी फिल्म शेर खान बनाने का ऐलान किया, यूनस मलिक इस फिल्म में शेर खान का मरकजी किरदार अदाकार हबीब को देना चाहते थे, लेकिन हबीब ने ये किरदार करने से मुआजरत कर ली। हबीब के अलावा मोहम्मद अली इस किरदार के लिए मुनासिब थे, लेकिन वो उर्दू फिल्मों में मसरूफियात की वजह से पंजाबी फिल्म में काम नहीं कर सकते थे। यूनस मलिक इस किरदार के लिए कोई मंझा हुआ अदाकार चाहते थे, उनके पास कोई चॉइस ना थी। ऐसे में इकबाल हसन इस किरदार के लिए मुंतखब कर लिए गए। इस फिल्म में उनके साथ सुल्तान राही के अलावा अदाकारा अंजुमन किसी पंजाबी फिल्म में पहली बार हीरोइन आ रही थी। यूनस मलिक की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इकबाल हसन को कितना मुआवजा दे, इसलिए कि इकबाल हसन पंजाबी फिल्मों में अपना मुकाम गंवा चुके थे। अब वो सिर्फ अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा वापस लाना चाहते थे। यूनस मलिक और इकबाल हसन में एक मुआहदा तय हुआ कि अगर फिल्म कामयाब हुई तो उनको मुंह मांगी रकम अदा की जाएगी और अगर नाकाम रही तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा। फिल्म मुकम्मल हुई और 1981 में ईद उल फितर का दिन भी आया, जब लाहौर में एक साथ पंजाबी जबान की 5 फिल्में शेर खान, नगमा सिनेमा के अलावा हिदायतकार अल्ताफ हुसैन की फिल्म साला साहब, मेट्रोपोल सिनेमा हिदायतकार जहांगीर कैसर की फिल्म चनवरियाम, गुलिस्तान सिनेमा हिदायतकार कैफी की फिल्म मिलेगा जुल्म दा बदला, महफिल सिनेमा और हिदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म चाचा भतीजा शबिस्तान सिनेमा में रिलीज हुई। इन 5 फिल्मों में शेर खान और साला साहब ने नुमाया कामयाबी हासिल की। जुमा 15 अप्रैल 1983 को हिदायतकार अल्ताफ हुसैन की पंजाबी फिल्म साहब जी की रिलीज हुई तो शेर खान मरकजी सिनेमा पर 1.5 साल तक चलने के बाद उतार ली गई। ये फिल्म 300 से ज्यादा हफ्ते तक चली।
इस फिल्म से फिल्म साज को बेहद मुनाफा हासिल हुआ। जब इकबाल हसन को मुआवजा देने की बात आई तो यूनस मलिक ने नोटों से भरा ब्रीफकेस उनके सामने रख दिया और कहा, जितने पैसे ले सकते हो ले लो। इस पर इकबाल हसन ने दौलत के अंबार से सिर्फ उतने ही नोट समेटे जो कि उनके हाथों में समा सके और साथ ये कहा कि बस यही दौलत मेरे नसीब की है। उनकी ये आला जर्फी आज भी याद की जाती है। फिल्म शेर खान के मरकजी किरदार ने उनको दोबारा फन की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और ये किरदार इकबाल हसन के रूप में एक हकीकत बन गया। इकबाल हसन की जिंदगी का आखिरी दिन 14 नवंबर 1984 का था, जब वो अपने दोस्त और अपने साथी अदाकार असलम परवेज के साथ कार में जा रहे थे कि ये हादसे का शिकार हो गए। इकबाल हसन का तो उसी वक्त इंतकाल हो गया जबकि असलम परवेज जो शदीद जख्मी थे ठीक एक हफ्ते बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिल्म शेर खान में मुस्तफ़ा कुरैशी डीएसपी के किरदार में बड़े बारूब रहे। हबीब भी जेलर के किरदार में अच्छे लगे। अदाकारा नाजली ने खिलाफे मामूल एक संजीदा रोल किया और अच्छी लगी। नन्ना जिस सीन में भी आए हंसाने में कामयाब रहे। ओ तेरी अक ते की छर्रा बजे। वाह रे वाह, शुक्र है अल्लाह दा तैनू भी किसे काणिया कीता, नहीं ते तू ते अखा मार मार के पिंड दे मुंडे काणे करदे। बकवास ना कर दे, जल्दी दस सुल्तान किथे वे। बारिक बड़ा वड्डा तूफान ओनू मिलन लई आया। तूफान ओनू मिलन आया कि तूफान ओनू उड़ाना है। लपड़ मार के मेरी पंभीरी पवारती करो, मेरे से दोबारा हाथ चुकन की कोशिश ना करी, नहीं तो मैं तेन कूड़ा समझ के बाहर छोड़ देना। विलन पार्टी में अदीब इलियास कश्मीरी, अल्ताफ खान और इकबाल दुरानी अपने अपने किरदारों में मुनासिब रहे। सीमा और बहार ने भी अपने किरदार खूब निभाए। इस फिल्म की अहम तरीन दरियाफ्त अंजुमन थी, जो ईद पर रिलीज होने वाली पांचों पंजाबी फिल्मों की हीरोइन थी। शेर खान के मौसीकार वजाहत अत्रे थे, जो उन दिनों में रिलीज होने वाली तीनों डायमंड जुबली फिल्मों के मौसीकार थे और कामयाब और मसरूफ तरीन मौसीकार साबित हुए थे। सुपरहिट नगमात वारिस लुधियानवी और ख्वाजा परवेज ने लिखे थे। अलकोयत पिक्चर्स, रॉयल पार्क लाहौर, फिल्म शेर खान के गुलुकारान मलका तरन्नुम नूरजहां और मासूद राना थे। शेर खान ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बाद आने वाली पंजाबी फिल्मों के लिए राहें हमवार हुईं। फिल्म शेर खान का बुनियादी पैगाम ये है, तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अगर कोई गुमराह इंसान सिद्के दिल से तौबा करता है तो मुमकिन है कि खुदा तो कबूल कर ले, लेकिन उसके बंदे मुआफ़ नहीं करते। इस फिल्म में एक कानूनी बहस भी बड़ी सबक आमोज है। अगर हर शख्स को कत्ल के बदले कत्ल या आंख के बदले आंख निकालने की इजाज़त दे दी जाए तो फिर कानून की क्या जरूरत बाकी रह जाती है। वैसे तो ये नामुमकिन है कि शायकी ने फिल्म में से किसी ने फिल्म शेर खान ना देखी हो, फिर भी हम अपने चैनल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड के प्लेटफॉर्म से ये जरूर कहेंगे कि पाकिस्तानी फिल्मों में शाहकार का दर्जा रखने वाली इस फिल्म को, जिसकी मौसीकी भी लाजवाब है, एक बार जरूर देखिएगा।